हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम कुछ नया बनाएंगे नाश्ते में, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी भी है। चावल का और नारियल का टेस्टी नाश्ता। जी हाँ, चावल और नारियल को मिला के हम ये बनाएंगे। बहुत ही आसान है मगर वक्त लगता है, क्योंकि हमें इसे भिगाना पड़ता है। जिस तरह हम इडली के लिए सब्र करते हैं, उसे 8 घंटा भिगा के फिर पीसते हैं, फिर उसे रात भर भिगा के रखते हैं और फिर दूसरे दिन बनाते हैं, ठीक वही प्रोसेस इसके लिए भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 1 और आधा ग्लास राशन के चावल ली हूँ, सादे वाले। आप भी लीजिए वही चावल, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो चाहिए वो चावल ले सकते हो। इसे धोकर अच्छी तरह 3-4 पानी से भिगा के रखेंगे 8 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे तक भिगाइए अगर आपके पास वक्त कम है तो। और इसके लिए मैंने ली हूँ 2 पाव, इसे भी तोड़कर पानी में भिगा के रखेंगे 1 घंटे के लिए। इसे आप पीसने से पहले 1 घंटा पहले भिगा सकते हो, या दोपहर से भी भिगा कर रखेंगे तो पाव अच्छे नरम ही होंगे और अच्छी तरह फूल जाएंगे। इसे भी ढककर साइड में रख देंगे ताकि कोई कचरा इसमें ना जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक नारियल ली हूँ, अच्छा बड़ा नारियल है। इसे हम तोड़कर, या तो आप मिक्सर में पीसिए बगैर पानी के, या नारियल किसने की किसनी होती है उस पर किसेंगे आप। मैंने तो उसी पर किसा है, अगर आपके पास भी वक्त है तो आप उसी तरह किस लीजिए, वरना बाद में हमें तो इसे पीसना ही है। अब हम एक जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा नारियल। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके पीसना है। नारियल डालने के बाद हम डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल अच्छी तरह भीग के फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका पानी निकाल के हम इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पाव भी फूल गया है वो भी थोड़ा लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, यानी अच्छी तरह पीसेंगे, जिस तरह हम इडली का पेस्ट तैयार करते हैं, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली हूँ, इसमें हम देखिए मिक्सचर डाल रहे हैं पिसा हुआ। बहुत ही अच्छी तरह पिस गया है, कोई भी हिस्सा जाड़ा नहीं है इसमें। देखिए चावल भी अच्छी तरह रवे से भी ज़्यादा बारीक हो गया है। अब इसी तरह दोबारा हम तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके लेंगे। इसी तरह हम पूरा बैटर रेडी करेंगे। मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें भीग के नरम हो गई हैं तो जल्दी ही पीस के बारीक हो जाती है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला बन जाएगा बैटर, और सुबह जब हम बनाएंगे तो अच्छी तरह हमारा नाश्ता रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करेंगे और बारीक पीस लेंगे तमाम बैटर। अब हम पतीली में डाल देंगे पीस के, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और शक्कर। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ली हूँ मीठी के लिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए बैटर ज़्यादा पतला नहीं है, मीडियम साइज़ पे है। अब हम इसमें डालेंगे इसे फूकने के लिए 1/4 चम्मच मीठा सोडा, जिससे ये अच्छी तरह फूल जाएगा। इस पे डालेंगे 2 चम्मच पानी ताकि सोडा पानी में अच्छी तरह पिघल जाए, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने नारियल की छोटी कटोरी ली हूँ, जिसका खोबरा हमने निकाल के पीस लिए थे। जी हाँ, इसे हम गैस पर अच्छी तरह जलाएंगे और लाल करेंगे।
ये डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार होगा। देखिए इसे अच्छी तरह मैंने जलाकर लाल करके लिए है, इसे बीचों बीच छोड़ेंगे और इस पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसका धुआँ निकल रहा है, हम जल्दी से पैक कर देंगे और हम इसमें अच्छा कोई वज़नदार चीज़ ढक देंगे। और ये जो धुआँ निकलता है इससे जो खुशबू आती है ये हमारे नाश्ते में और टेस्ट भर देती है। सुबह हो गई है, अब मैं इसे खोल कर देखती हूँ। देखिए अच्छी तरह फूल गया है, बड़ी पतीली है इसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा, हमने सिर्फ 1.5 गिलास चावल लिए थे। अब ये नारियल की जली हुई करोटी बीचों बीच है, बहुत ही आसानी से और संभाल के हम इसे निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि कोई बारीक टुकड़ा इसमें बचा तो नहीं है। देखिए बीचों बीच बराबर गिरा हुआ था, यानी हमने डाले थे, इसे पूरा निकाल के चेक कर ली हूँ मैंने, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए तमाम टुकड़े मैंने निकाल दी हूँ। इसे डालने से बहुत ही अच्छा स्मोकी टेस्ट आता है और जो इसमें खमीरपन आता है, खट्टापन, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, नारियल की करोटी है हमने जिसमें से नारियल लिए थे। अब फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब तेल भी गर्म हो गया है, इसे चारों तरफ फैला देंगे। अब मैं डालूँगी कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी बैटर। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे डालते ही ये पूरी तरफ फैल गया है रोटी की तरह। अब हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। ये ज़्यादा जाड़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, डोसे की तरह होता है मगर खाने में बहुत ही टेस्टी, मीठा और खोबरे का फ्लेवर भी आता है, इसमें खट्टापन भी आता है, पाव का खमीर हुआ। अब देखिए हम इसे ढककर पकाएंगे। अब हम इसे 5 मिनट के बाद खोल के चेक करेंगे, नीचे से गैस का फ्लेम फास्ट है, अच्छी तरह पक रहा है। देखिए अच्छी तरह भाप जम गई है और ऊपर से पूरा सूख गया है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके ना, और इसे बहुत ही संभाल के प्यार से पलटी करेंगे। देखिए अच्छा गुलाबी कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये, हम इसे मीठा पोला भी कह सकते हैं नारियल वाला, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे 5 मिनट के बाद और पलटी करेंगे ताकि नीचे से भी अच्छी तरह ये फ्राई हो गया होगा। देखिए अब मैं इसे पलटी कर रही हूँ, देखिए अच्छा कलर आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में निकालेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गया है, ना जला है ना फटा है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी बना है। इसी तरह हम दूसरा भी बना के दिखाते हैं आपको। मैंने इसे डाल के ढक के रखी हूँ, अब मैं आपको खोल के चेक करती हूँ। देखिए इसका ही पानी अच्छी तरह सूख गया है, यहाँ पर भी हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे भी संभाल के प्यार से पलट देंगे। गैस का फ्लेम फास्ट ही रखिए क्योंकि झटपट बन जाता है और झटपट इसका अंदर से भी पक जाता है, कोई कच्चापन नहीं रहता और अच्छा गुलाबी कलर भी आता है। देखिए इसे चारों तरफ से अच्छी तरह नीचे से निकाल के पलटी कर दिए हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी, हेल्दी भी है, झटपट बन जाता है। अगर आपको जितने पोले चाहिए आप बना के बचा हुआ बैटर फ्रिज में भी रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा। अगर सुबह से शाम तक बाहर रखेंगे तो खट्टा नहीं पड़ेगा ज़्यादा, अगर दूसरे दिन इस्तेमाल करना है तो आप फ्रिज में रखिए। देखिए अब हमारा चावल और नारियल का टेस्टी नाश्ता खाने के लिए तैयार है, दिख ही नहीं रहा है खूबसूरत, खाने में भी बहुत टेस्टी है। जब हम छोटे थे तो मेरी माँ बनाती थी
हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे, सबको पसंद आता था ये। देखिए अंदर से भी अच्छी तरह पक गया है। तो अगर आपको मेरा ये नाश्ता बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।